बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी। राजनाथ सिंह का काम कैसा रहा सांसद? बहुत अच्छा। और जितना राजनाथ सिंह ने लखनऊ के डेवलपमेंट में खर्चा किया उतना पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। तो कुल मिला के ये कि जैसे पहले गवर्नमेंट चलती थी वैसी आज भी चल रही, कोई बदलाव नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार था, अब चरम पे भ्रष्टाचार है। आज काम करने वाले के लिए कहीं से भी कोई गरीबी नहीं है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाते हैं वो उंगली लगा देता, 500 रुपए मांगता है। उनसे पूछिए गरीब आदमियों से जाके कि वो 400 रुपए वाला सिलेंडर अच्छा था या 1100 रुपए वाला। मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं करा, उन्होंने जो भी करा सबका साथ सबका विकास करा, सबसे मेन निष्पक्षता है। आप दुनिया घुमाइए, मैं भी पिछले संडे को आया हूँ केवल वोट डालने के लिए। आई वाज इन दुबई। दुबई में थे आप? और मैं केवल वोट डालने आया हूँ। वोट डालने आए? हाँ। आप तो मतलब एग्जांपल हैं, मुझे अभी लगता मैं है। जाऊंगा। बच्चे कह रहे पापा बस आप कब आ रहे हैं? अच्छा, तो ये तो अद्भुत मोटिवेशन है कि आप दुबई से लखनऊ। मेरे बड़े बेटे कनाडा से आए वोट डालने हैं। अच्छा, देखिए ऐसे एग्जांपल्स भी हैं हमारे सामने। एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो बाहर से भी आ जा रहे हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करी है नोएडा वालों ने, जिनको छुट्टी लेकर वो चले गए शिमला मंदिर और कुल्लू मनाली घूमने के लिए। ये आपके फ्रेंचाइजी आपके वर्ल्ड में आपको घुमाइए, ये फैसिलिटीज आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आई बीन टू US, ऑस्ट्रेलिया, मेरे बच्चे सब बाहर, मैं लखनऊ में अकेला रहता हूँ। अच्छा, सब बच्चे बाहर है। तो ये, तो ये लखनऊ से प्रेम है आपका कि आप चले आते हैं तब दूसरे वोट डालने? वोट इट इज माई बर्थ राइट। यस, इट इज प्रिविलेज। कितना बड़ा प्रिविलेज है ये। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुझको योगेश माथुर कहते हैं। योगेश जी, लखनऊ में कब से रह रहे हैं आप? सिंह मैं 46 पैदा हुआ था। अच्छा, तब से मैं आई एम 78 ईयर्स ओल्ड, आई एम यंग। सर बहुत अच्छी बात है। तो ये लखनऊ के मॉर्निंग वॉकर्स का यही जोश है, हम सुबह सुबह निकले हुए हैं लखनऊ की सड़कों पर। वॉकिंग प्लाजा में जाता हूँ वॉक करने के लिए मॉर्निंग में। अच्छा, उसके बाद शर्मा है कि हम लोग ग्रुप है, वहाँ बैठ के चाय पीते हैं। अच्छा, आधा समोसा मिलता है का, एक पीस बदबखन मिलता है। अरे शर्मा जी की चाय के बारे में जब डालो सोशल मीडिया पर कि वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत लोग ये बात कहते हैं ओवर रेटेड। ऐसा है क्या? ओवर रेटेड बहुत लोग कहते हैं। ऐसा है कि इस समय जो आपके ये सीनियरों चल रहा है ना, अब उसको आप ओवर रेटेड कह दीजिए। अब वो डेस्टिनेशन हो गया लखनऊ। लखनऊ वाले बताएं सही बात भाई, हम तो चलो बाहरी हैं। नहीं, बाहरी है तो हिंदुस्तान के ही। तो सर आप वोटर भी हैं, वोट देते हैं, वोट देने आए? अरे 78 ईयर्स हो गया, वोट नहीं होगा। कई बार वोट डाला है, बहुत बार वोट डाला है। और लखनऊ लोकसभा की बात करें जी, तो लंबे समय से सुबह बनारस, शाम अवध लखनऊ, पुरानी कहावत है। बिल्कुल, सुबह बनारस, शाम अवध। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। अभी तो सुबह है लखनऊ, सुबह अवध हो गई है। तो आप इसे वोट डाल रहे हैं इस बार, क्या मुद्दे जहन में है, क्या चल रहा है दिमाग में इलेक्शंस को लेकर? देखिए मैं हिंदू हूँ, योगेश एंड माथुर मेरा नाम है। 500 साल से जनरेशन खप गई, BJP को तो मांगने ही नहीं चाहिए वोट। जितने हिंदू हैं, बींग हिंदू, मंदिर के नाम पर वोट दे नहीं देना चाहिए। मंदिर के नाम? मंदिर, यस, इतना बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, हम लोग की एक इंडिविजुअलिटी, एक जो हम लोग के अभिमान की बात है की, तो हिंदू लोगों को तो एक मुश्त होकर वोट देना चाहिए। लेकिन इस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें हर आदमी अपना अपना नया नया मुद्दा उठा रहा है। आदमी की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि पिछले 5-10 साल पहले क्या हो रहा था वो भूल गया है। क्या हो रहा था 5-10 साल पहले? आप गैस के लिए लाइन लगाते थे और आपको वो कहते पार्टी कि आपको हम 8 सिलेंडर देंगे, साल में 12 सिलेंडर देंगे, ये चलता था। अब आपको फ़ोन किया, आपका गैस आती है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कुछ नहीं है, हर चीज़ फेयर है। कितनी प्रॉब्लम लखनऊ हमारा चेंज हो गया। अभी मैं आया हूँ 6 महीने बाद, मेरी बेटी लास्ट ईयर आई थी जनवरी अमेरिका से, तब अयोध्या गई थी कि पापा साल भर में एयरपोर्ट पर, साल भर में ही हो गया, हमने ये साल भर में हो गया। तो दे आर डूइंग मेरिकल। लोग आप भूल जाते हैं, अब बत्ती जाती नहीं है। अगर गई, अरे 15 मिनट, अरे लाइट चली गई। पहले जब आ जाती फिर अरे लाइट आ गई। कितना चेंज, यू आर सेफ एंड सिक्योर है। मैं दुबई में हूँ, दुबई में सबसे अच्छी बात यू आर सेफ एंड सिक्योर, जो आप खा रहे हैं भी उतना आपको सेफ सिक्योर लगता है? बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, लगना चीज़ अलग है और जो प्रैक्टिकल है वो चीज़ अलग है। लखनऊ बहुत सेफ एंड सिक्योर है, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट,
जो बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको पता ही नहीं है कितनी हार्डशिप हम लोग ने बियर करी है। उस जमाने में ट्रंक कॉल करते लाइटिंग, मैंने लाइटिंग कॉल तक करी है, घंटे भर बाद रिमाइंड करना पड़ता था साहब भैया मेरी कॉल बुक है, अब आप खटाखट खटाखट करें, ये कैसे हो रहा है? ये सेटेलाइट की यूज़ हो रहा है। मैं दुबई में हूँ, उन्होंने जितनी टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई किया हुआ है। हमारे पहले रिसर्च होती थी, लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाती थी, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। कितनी अच्छी जगह मेट्रो चली जा रही है, कितनी कन्वीनियंट है, रोड्स कितनी अच्छी, कितनी साफ है, कितनी साफ सफाई लखनऊ है। यहाँ की प्रॉब्लम कल मैं देखा, कल हर जगह पूरा खुला, संडे था हमारा नरही बंद था, पहले मंडे को नरही बंद होता था, अब संडे बंद था, टोटल नरही कल बंद था, हर जगह टोटल खुला हुआ था। हर जगह में इतनी कल रौनक थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, यही हम लोग की कमजोरी है। पॉपुलेशन जो है वो हमको मार रही है। हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो वीकनेस है वो पॉपुलेशन है। आप आज राजनाथ सिंह का काम कैसा रहा सांसद? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। बाकी जो प्रत्याशी उनका नाम पता है आपको? एक का पता है। किसका? मेहरोत्रा का, रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि वो लखनऊ था, लखनऊ हिस्ट्री में रहा, और मैंने भी 9 साल लखनऊ हिस्ट्री में रहा हूँ मैं भी। अच्छा, तो आपके जूनियर हुए? मैंने BA किया, MA किया, LLB किया, MPA किया। अच्छा, ये सब इस वजह से नाम जानता हूँ, लेकिन राजनाथ सिंह के टक्कर का कोई नहीं हैगा। अच्छा। ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं स्टैंड नहीं करते। ओके, और लोगों से बात करता हूँ, आप बैठिए। जी जी, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, रहने वाले लखनऊ के हैं आप? जी। तो अब सांसद आपके राजनाथ सिंह, आपको जानकारी होगी ऑब्वियसली, अब चुनाव चल रहा है तो यही समय होता है रिपोर्ट कार्ड सांसद के काम के बारे में चर्चा करने का, कैसा रहा उनका काम? भाई काम तो अच्छा ही है सबका, ठीक है ना, लेकिन जो महंगाई इस टाइम है, आप हमसे ना पूछिए, आप नीचे लोअर तबके में जाइए, आप उनसे पूछिए क्या महंगाई है। जैसे एक सज्जन अभी आपसे कह रहे थे 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, घर पहुंच जाता है, अब ये वो, उनसे पूछिए गरीब आदमियों से जाके कि वो 400 रुपये वाला सिलेंडर अच्छा था या 1100 रुपये वाला, ठीक है ना। आपने कितने इंस्टीट्यूशन खोले हैं, आपने कितने कॉलेजेस खोले हैं, कितने आपने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, आपके यंगस्टर जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको कितनी नौकरियां मिल रही हैं। ये सब इलेक्शंस में यहाँ पर मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल आजकल यंगस्टर्स का यही सोच है। अब आपके काम करने से वोट मिलेगा आपको, आपको पार्टी से वोट नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि पार्टी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? बड़े नेता भी अच्छा, बड़े नेता आप नेता हैं इन लोगों के? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार गुरनानी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड कहाँ से? बैंक से। बैंक से, तो वोटर लखनऊ के ही हैं? जी हाँ। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे दिख रहे हैं आपको चुनाव में, मुद्दे हैं कि नहीं है? मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे जैसे ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं लखनऊ में डेवलपमेंट मांगती हैं, नेता लोग तो इलेक्शन के समय आते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है किसी को, और ख़ासकर सीनियर सिटीजन्स को अनदेखा किया जा रहा है। अच्छा, जो हम लोग को ट्रेन में 50% डिस्काउंट मिलता था वो सब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, वो होना चाहिए। और मेडिकल पे सबका बहुत खर्चा है, मेडिकल की कॉस्ट बढ़ती आ रही है डे बाई डे, वो कोई नहीं देखता है। इंडिया में काफ़ी चीज़ें बनती ही नहीं हैं, इंडिया इस चीज़ में बिल्कुल इतना पीछे है, इतना पीछे, इतनी जनसंख्या है यहाँ पर, आज तक हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की कोई कंपनी नहीं है। अमेरिका में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ छोटे छोटे बच्चों ने बनाई हैं, यहाँ पर नौकरी करा के सबको दबाते रहो। सबसे बड़ी बात ये, इंटरनेशनल लेवल में हमारा कहीं का योगदान नहीं है। किस तरह के योगदान होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई जैसे वहाँ पे अमेजोन है, आपका फेसबुक है, टेस्ला है, वो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती है? कि अपने लोग पढ़े लिखे नहीं है, अपने लोगों ने ही सब जगह वहाँ जाके एक्सप्लोर किया। स्टार्टअप को लेकर आप कह रहे हैं माहौल को लेके, स्टार्टअप का अच्छा माहौल होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए सबके पास, अपना अच्छा काम करने की आज़ादी, खुली छूट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। लखनऊ में कैसा राम काम रहा राजनाथ सिंह का? नहीं, राजनाथ सिंह ने काम किया है, बिल्कुल देखने में लगता है काम किया है, काफ़ी डेवलपमेंट किया है। किस तरह का डेवलपमेंट? जैसे
जैसे रोड्स वगैरह अच्छे करा दिए हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी करा दी है, बाकी कनेक्टिंग रोड्स अच्छे कर दिए हैं। रोड्स पे काम हुआ है आप कह रहे हैं? रोड्स पे काम हुआ है, जनरल चीज़ों पे काम हुआ है, और जितना राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ के डेवलपमेंट में खर्चा किया उतना पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, ना अपना कभी ध्यान दिया। चीफ मिनिस्टर तो एमपी हैं? नहीं, ये तो एमपी हैं, ये तो चीफ मिनिस्टर भी रहे, मतलब जितने चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। एज ए एमपी फर्स्ट टाइम थोड़ा अटल जी ने ध्यान दिया था, और सबसे ज़्यादा ध्यान इन्होंने दिया है। अटल जी आज करीब 5 बार सांसद रहे लखनऊ से, मुझे लगता है कि 91 के बाद से लगातार वो सांसद रहे, उसके बाद एक टर्म रहा लालजी टंडन का 2009 में, और 14 और 19 दो चुनाव राजनाथ सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं, और ये उनका तीसरा टर्म होगा अगर वो जीतते हैं। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, वो तो लखनऊ से जीतेंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन अब ये है कि थोड़ा ध्यान अब जितनी राजनेता हैं उनको सबको समझ में आ रहा है कि जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे हमको वोट नहीं मिलेगा। पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, और ख़ासकर इन लोगों को हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम है लखनऊ के अंदर, जितने होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम पेनिट्रेशन है, सुविधाएं अच्छी नहीं है। मेडिकल फील्ड पे काम, मेडिकल फील्ड में बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ 60 के ऊपर की जनसंख्या बढ़ती आ रही है, आपके यहाँ फैसिलिटी कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल कोई फैसिलिटी नहीं देता है, बड़े बड़े डॉक्टर से सब जो जिसकी जान पहचान होती है उसका काम होता है, वरना सबको टहला दिया जाता है। इस फील्ड में अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, और हर एक को मेडिकल में कवर करना चाहिए। ठीक बात। क्या नाम सर आपका? मेरा मोहम्मद आरिस। क्या करते हैं आरिस? सर मैं स्कूल प्राइवेट स्कूल का। अच्छा, तो इलेक्शंस में क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं, चुनाव में क्या चल रहा है? नहीं, इलेक्शन में थोड़ा सा महंगाई का मुद्दा मेन है, पब्लिक जो लोअर मिडिल क्लास पब्लिक का थोड़ा परेशान है। अच्छा। क्योंकि उनके कामकाज रोज़गार पर बहुत असर पड़ा है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लखनऊ का रोड्स और पुल्स और ये सब तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं जैसे गैस लाइट्स ट्रांसपोर्ट ये सब थोड़ा इतना महंगा हो गया है कि जो लोअर मिडिल क्लास पब्लिक है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कमाई बढ़ी है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, और जो है पब्लिक जो है परेशान है, मतलब गैस सिलेंडर्स महंगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। आपका सर नाम? मतीन अहमद। क्या करते हैं आप? रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा, वोट भी देते होंगे, लखनऊ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, कैसा रहा काम राजनाथ सिंह सांसद के तौर पे? सर काम तो सभी का ठीक रहता है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम यह है कि जिस मुद्दे को लेकर ये गवर्नमेंट आई थी सेंट्रल में 10 साल पहले, मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार का, लेकिन मुझको तो अपने उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आज भी आप देखिए कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन लगी है जहरीली कही जा रही है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके उनको परमिशन दी गई, गवर्नमेंट फ्री का दावा करती है लेकिन कहाँ से फ्री लगती है? सीरम इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है ना, पेमेंट किस कहाँ से गवर्नमेंट ने किया? टैक्स पेयर के पैसे से किया है। हम लोग ज़िंदगी भर टैक्स देते हैं, और आज की तारीख में नौबत यह है कि हम लोग को पेंशन नहीं है, ज़िंदगी भर हम लोग टैक्स देते रहे, आज की डेट में पेंशन नहीं है। अगर हम बीमार हो जाएं तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं है कोई, तो ये सब इशू हैं, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि पेंशनर्स के लिए या रिटायर्ड पर्सन के लिए, जैसे अभी सीनियर सिटीजन्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती थी रेलवे में वो भी ख़त्म कर दी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस तरीके की। तो कुल मिला के ये है कि जैसे पहले गवर्नमेंट चलती थी वैसी आज भी चल रही, कोई बदलाव नहीं है। पहले भी भ्रष्टाचार था, अब चरम पे भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। तो जैसे आप लोग सब लोग सुबह 7 में मॉर्निंग वॉक पे आते हैं जी, तो डिस्कस करते हैं सब चीज़ें, पॉलिटिक्स बात होती है कि नहीं होती? कोई नहीं होती। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है बिल्लू टंडन। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं जी? लखनऊ के रहने वाले हैं। कैसा रहा राजनाथ सिंह का काम यहाँ पर? राजनाथ सिंह का काम ठीक था। ठीक था। इलेक्शन में किन मुद्दों वोट पड़ने वाला है इस बार? देखिए इलेक्शन बात है, जो उनका सबसे बड़ा मुखिया जो है मोदी जी, वो बड़े झूठे हैं, उनकी किसी बात पे विश्वास करने वाला नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। जैसे क्या? अरे बहुत सी चीज़ें, क्या वो तो रोज़ आप देखते होंगे, रील्स पे देखते हैं, तब देखते हैं आप लोग के माध्यम से जो आता है, क्या नाम है ये, यूट्यूब में सब में, अब उसमें क्या कहा जाए उनके लिए, क्या कहें, अब प्रधानमंत्री बने हुए हैं लेकिन कभी भी उन्होंने कोई बात की विश्वास वाली बात नहीं है, हर चीज़ में वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने लखनऊ के लिए पुल बनाए हैं, अच्छे काम किए हैं,
तो वो सीट जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सीट है, वो जनता प्यार करती है, तो वो तो जीतेंगे जीतेंगे, तो उनके नाम पर वोट पड़ता है, उनके वापस लेगेसी वाला मसला। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। ये कुछ मॉर्निंग वॉकर से हमसे बात की, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम तारिक हुसैन है। तारिक, कैसे चल रहा है इलेक्शन यहाँ पे? इलेक्शन तो एकदम माहौल खामोश माहौल है, कोई ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं है। अच्छा, बहुत खामोशी के साथ चल रहा है मामला। खामोशी में चल रहा, क्यों ऐसा क्यों है? पहले हम लोग जब बचपन में देखते थे इतना शोर शराबा रहता था, कन्विंसिंग होती थी, गली गली में लोग झंडे लेके चल रहे हैं, बिल्ले लेके चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही, रिक्शा चल रहा है। अब इस तरह का सारा सिस्टम खामोश हो गया एकदम, एक्शन बहुत खामोशी के साथ अब होता है, ज़्यादा मतलब शोर शराबे के साथ नहीं होता है। कैसा रहा राजनाथ सिंह का काम? राजनाथ सिंह का काम तो खैर अच्छा किया, नो डाउट। अच्छा, मुस्लिम्स का वोट पड़ता है उनको? हाँ हाँ पड़ता है, पड़ता है। तो राजनाथ हिमसेल बहुत अच्छे आदमी, बीजेपी में हमें अगर कोई आदमी अच्छा लगता है तो वो राजनाथ ही लगते हैं अच्छे। अच्छा, और मैं तो उनको एज ए PM का चेहरा भी देखता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। तो पार्टी नहीं देखती? नहीं नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी तो बेकार है, पार्टी का तो सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम बस, और कोई काम नहीं उनको, मुल्क से और लोगों से कोई मतलब नहीं, डिवाइड एंड रूल। वो तो जो अंग्रेज करते थे वही बीजेपी करते थे। तो यहाँ पर वोट पड़ता है कैंडिडेट के नाम पे? कैंडिडेट के नाम पे। चलिए, लखनऊ के और लोगों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? दिनेश जायसवाल। क्या करते हैं आप? मेरा यूज गाड़ियों का काम है। अच्छा, बिजनेस गाड़ियों का। तो आप लोग साथ में ग्रुप में आते हैं? मैं देख रहा हूँ कई सारे अलग अलग ग्रुप हैं बने हुए लोगों के। सब अलग अलग ग्रुप है। अच्छा, क्या लखनऊ में इलेक्शन चल रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? राजनाथ सिंह आप लोग के सांसद हैं, कैसा काम रहा उनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है, मैं बजाज इलेक्ट्रिकल से हूँ। अच्छा, एरिया लखनऊ रहने वाले? लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हूँ। राजनाथ सिंह जी एक अच्छे नेता हैं और हम सभी का सपोर्ट उनके साथ है। उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया लखनऊ में, मतलब उनके सहयोग से गवर्नमेंट ने बहुत डेवलप किया, क्योंकि वो सेंट्रल में है तो सेंटर का सारा वो देख रेख करते हैं, तो क्षेत्र में कम आ पाते हैं, लेकिन उनके सहयोग से बहुत डेवलपमेंट हुआ है। वो क्षेत्र में कम आ पाते हैं तो ये क्या मुद्दा बनता है क्या? ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके उनके उनकी जिम्मेदारी बहुत है, रक्षा विभाग एक अपने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम उसको समझते हैं कि वो देश के लिए कर रहे हैं, तो देश के लिए कर रहे हैं तो लखनऊ के लिए कर ही रहे हैं। अगर देश सुरक्षित है तो लखनऊ सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित हैं। तो क्या नाम है आपका? सोमेंद्र मोहन शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरे बिजनेस हैं दो तीन टाइप के। अच्छा। एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप। क्या आप लोग के कुछ मुद्दे हैं व्यापारियों के? देखिए, मुद्दे तो हर सरकार में हम लोग के होते हैं, परंतु जैसे जैसे सरकार के नियम चेंज होते हैं हम उसी हिसाब से अपने को ढाल के बिजनेस कर सकते हैं। अगर नए एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो उनके लिए तो ये नए ही मुद्दे हैं, वो उस पर भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम तो पुराने हैं। हमें तो सर्वाइवल की जगह हमारे CA और हम खुद सोच के साथ आगे बढ़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। सरकारें तो हम लोग पिछले, मैं 30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 3 सरकारें देखी हैं। कैसा तो, लगा काम तीनों का? बेहतर कौन दिखता है आपको? सारी सरकारें जैसे भी हो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें बिजनेसमैन के अगेंस्ट में खड़ी हैं, क्योंकि सरकार चलाने में कहीं हमारा योगदान तो है ही ना, देश चलाने में बिजनेसमैन का। तो हमारे लिए सारी सरकारें एक समान हैं, हम लोग सरकार के अगेंस्ट में जाते नहीं हैं। इस बार क्या लग रहा है इलेक्शंस में लोकसभा में? नहीं, लोकसभा में तो जैसे बयार है कि BJP आएगी, लेकिन और दल भी अपना पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाए हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी से, कैसे लड़ रहे हैं? रविदास जी तो इस समय MLA हैं, ठीक है, अगर वो लड़ रहे हैं तो MP का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं लखनऊ के। लेकिन जहाँ तक बात है रक्षा मंत्री जी की, तो रक्षा मंत्री जी अपने खुद का उनका होल्ड है लखनऊ पे, और BJP मेरे ख्याल से पिछले कई क्या कहें टेनुअर में लखनऊ, 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी रहे, फिर लालजी टंडन, फिर 2 बार से राजनाथ सिंह, लखनऊ में BJP थोड़ा सा हराना थोड़ा सा एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि लखनऊ का व्यक्ति या लखनऊ का निवासी जो यहाँ का मूल निवासी है उसमें कहीं पर BJP क्या कहते हैं इंजेक्टेड है, इसलिए हो सकता है चांसेस कहीं पर हमारे क्या कहते हैं जो सीटिंग MLA हैं जो इस समय MP का चुनाव लड़ रहे हैं सपा से, वो कहीं फाइट कर पाए, परंतु
जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है 60-40 का रेशियो होगा बहुत फाइट के बाद भी, लेकिन ऐसा राजनाथ सिंह ज्यादा बहुत डिफरेंस है। एमएलए के बहुत ही क्षेत्रीय चुनाव हो गया और आपका एमपी का बहुत वास्ट वो है, तो उसमें देश हित सोचना चाहिए। एमएलए के चुनाव में आपको अपने अपने शहर अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए कि कौन अच्छा काम कर पाएगा। आप कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे एमएलए चुनाव में देखने चाहिए और जब एमपी का चुनाव हो तो दूसरे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इस समय एक अभिन्न नेता, एक बहुत स्ट्रॉन्ग छवि वाला नेता हमें लीड करना चाहिए, तो उस मोदी जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता इंटरनेशनल लेवल। पक्ष में आपको नहीं दिखता कोई? नहीं दिखता, सॉरी। आपका क्या पक्ष है? हमारा पक्ष क्या है, बीजेपी का ही है, जो भी चल रहा है बीजेपी ही आएगी। अभी का तो जो सिचुएशन है वो यही है। और ग्रुप है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं लखनऊ का और मूड क्या है। सभी लोग नमस्कार सर। अरे एक और ग्रुप है, हम आ गए हैं बात करने। सर दिल्ली से आया हूँ मैं, TV9 डिजिटल से हूँ, इलेक्शंस को लेकर माहौल समझना, पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, लखनऊ पहुँचा हूँ। तो सुबह हमने कहा अंकल कह रहे हटो फोटो आने दो पहले। तो लखनऊ चर्चित सीट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, तो मैंने कहा लखनऊ सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉकर्स, मुझे कल्चर पता है यहाँ का, तो हमने कहा बात कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी लखनऊ में रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, अब दिल्ली रहता हूँ। तो क्या इस बार इलेक्शन सर माहौल दिख रहा है, क्या नाम है आपका? आरके अग्रवाल जी। भैया इस समय तो हम लोग मोदी जी के ही भक्त हैं। अच्छा। और उन्हीं से काफ़ी उम्मीदें हैं। अच्छा। जितना उन्होंने हम सबको जहां पहुंचाया है और हर स्टेज में, चाहे सिक्योरिटी पे हो, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे भाईचारे पे हो, उन पर हम लोग का बड़ा विश्वास है। अच्छा। और हम लोग की दिली इच्छा है कि वही इस बार फिर आवे। अच्छा। वोट प्रधानमंत्री के नाम पे पड़ने वाला है यहाँ पे कि लोकल कैंडिडेट के नाम पे? प्रधानमंत्री के नाम पर सारे वोट, प्रधानमंत्री के नाम पर, क्योंकि राष्ट्र को जिस उचित स्तर पर मोदी जी ने पहुँचाया है, मोदी जी एक अकेले व्यक्ति युग पुरुष के रूप में भारत में प्रकट हुए हैं। अच्छा। भारत भाग्य विधाता के रूप में ये व्यक्ति प्रकट हुआ है। अच्छा, दोनों नाम पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने जितना यहाँ पे प्रगति करी है, करीब 56,000 करोड़ रुपए के पुल बनवाए हैं, राउटर रिंग रोड बनवाई हैं, ये सब इतना काम किया है, तो उनके नाम पे भी वोट पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे लोकल कैंडिडेट भी पड़ेगा और मोदी जी तो खैर तो आई है। कह रहे थे सर प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट पड़ेगा यहाँ। क्या नाम है आपका? भोलानाथ पाहवा। अच्छा, पूरा आप लोग का ग्रुप है, डेली साथ में टहलते हैं, 22 लोग हैं और आज कुछ कम दिख रहे हैं। हमारे साथ है भीमसेन वाधवा, मोदी जी का नाम सबसे पहले है वोट डालने के लिए, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं लखनऊ के, उन्होंने भी बहुत किया है, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है वोट, मतलब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनके नाम को भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम उनके नाम पे भी वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि पिछली बार हमने देखा मार्जिन 3.5 लाख का था यहाँ पर जब चुनाव जीते हैं, और इस बार गठबंधन, अच्छा एक मिनट, तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है चुनाव में, और रविदास मेहरोत्रा कैंडिडेट बनाए गए हैं जो कि खुद को लोकल बता रहे हैं, स्ट्रांग भी है। हाँ, मध्य सीट से विधायक भी हैं करंट में, पिछला चुनाव जीते थे वो, और मैदान में इस बार उनको लेकर क्या सोच रहे हैं आप, क्या नाम है? देखिए मैं डॉक्टर संजय निरंजन पीडियाट्रिशियन हूँ। यहाँ पे आम जनता को पता ही नहीं है कि बीजेपी के अलावा भी कोई खड़ा है कैंडिडेट। अच्छा। यहाँ सिर्फ राजनाथ सिंह जी खड़े हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे बस। अच्छा। पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था। हाँ। तो क्या हुआ, तब भी 3.5 लाख से जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता के दिमाग में इसमें भरा पड़ा है जो भी कास्ट वाइज या वो धर्म के हिसाब से, तो इस समय तो बिल्कुल मंद एक तरफा है। जितना पिछले साल जीते थे उससे ज़्यादा जीतेंगे, 5 लाख। क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, अब कहेंगे यंगस्टर, जैसे ये लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी यंगस्टर खाली बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई नौकरी नहीं मिल रही है, वो ये जान के वोट देंगे कि यही ऐसा व्यक्ति है जो नए नए विकास करेगा और नई नई नौकरियों का सृजन ये व्यक्ति कर सकता है, राष्ट्र में एक नई चेतना, नई चेतना राष्ट्र में जागृत करने की क्षमता रखते हैं तमाम नौजवान। ये भी आप लोग जानना चाहता हूँ, तमाम नौजवान जो हमको मिलते हैं वो शिकायत भी करते हैं रोजगार के मसले पे, है ना, और भाई 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, 3रा टर्म चल रहा है। आप रोजगार किसको कहते हैं? मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल,
आपने पूछा पहला प्रश्न ये था कि आप मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो मैं तो मानता हूँ कि मैं भाजपा पार्टी प्रथम है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, ये कहकर कहने के बाद उस पार्टी को शिखर पे ले जाने वाले व्यक्ति केवल एक है, मोदी जी। उन्होंने ही हमारे पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में जो हम लोग को सम्मान दिलाया है, वो केवल एक व्यक्ति है। इसलिए ये बात आती है कि केवल उनके नाम पे ही वोट पड़ना चाहिए, ठीक है ना। और अभी आपने क्या पूछा था? रोज़गार। रोज़गार तो रोज़गार केवल सरकारी नौकरी को रोज़गार नहीं कहा जाता। आज हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी चीज़ें उन्होंने क्रिएट कर दी हैं। जैसे कि लखनऊ में अगर बात करें प्राइवेट रोज़गार के लिहाज से, तो क्या कुछ नया कुछ सृजन हुआ है? कोई नई इंडस्ट्री, कोई नई चीज़ आई है? पुल वगैरह बने हैं जो, उसमें भी रोज़गारी लगा है ना, उसमें भी आदमी व्यक्ति लगा है, सब लगे हैं, तो रोज़गारी तो कहा जाएगा। आप अपना रोज़गार करिए, क्यों सरकार की नौकरी के पीछे भागते? उससे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है। और रही रोजगार की बात, आज काम करने वाले के लिए कहीं से भी कोई गरीबी नहीं है। अच्छा। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाते हैं, वो उंगली लगा देता है, 500 रुपये मांगता है, तो किस बात की गरीबी है? पहले हमको, हम देखते थे कि एक मोहल्ले में एक सेब का ठेला होता था, आज 500 ठेले सेब के जाते हैं और 500 ठेले शाम को खाली हो जाते हैं। किसी काम वाले को ढूंढो, काम वाला मिलता नहीं है। दिहाड़ी में तो 600 रुपए ले रहा है। तो गरीबी नाम की गरीबी है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हमारा काम ही थोड़ा। हर आदमी को हम घोड़े को पानी तक ले जाएंगे, हम पिला थोड़ा सकते हैं। तो हमने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया। आपको बताओ, गरीबी जो है ना, वो भी एक प्रोफेशन हो गया है। अच्छा। अगर गरीबी बिजनेस जो इसके वो है माफिया, उनके वजह से गरीबी है, वरना गरीबी है नहीं। ये लोग जो चाहते हैं गरीबी रहे, वो उसको मतलब कुछ ऐसा प्रमोट करते हैं गरीबी को, इस गरीबी के ठेकेदार, वरना यहाँ गरीबी कुछ नहीं है। आप कोई देखिए कौन भूखा रहता है? आपको अगर 100 लोगों को खाना बांटना है आज, तो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे लोग खाने के लिए। अच्छा। तो गरीबी है कहाँ? गरीबी तो लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, गरीबी ना, गरीबी कहीं नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग लोगों के उठने से पहले गाड़ी के अंदर भिखारी भर भर के आते हैं, उनको हर प्लेसेस में बैठा दिया जाता है, और शाम को जितना भी भीख मांग के अट्टी पट्टी बांध के उनको लूले पाहिज बना देते हैं, और उनको शाम को क्रेड करके पैसा। अगर ऐसी चीजें हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार क्या करेगी, कहां क्रिएट कर रहे हैं ये? दिस इज नॉट द इशू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। आप बात करिए, अपोजिट पार्टियों ने हिंदू मुसलमान इतना कर दिया है कि अब जो भी कांग्रेसी कट्टर कांग्रेसी थे, वो भी सोचने पर उतर आया कि हिंदू मुसलमान इतना तुम कर रहे हो और कहते हो कि भाजपा वाले करते हैं, तो खुद अपने आप माइंड चेंज। भाजपा वाले नहीं करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते हैं, करते हैं, बात नहीं है। इतना नहीं, जितना खुल के बोलो। देखिए राजनीति जो है, उसमें बीजेपी बहुत दिन तक बैक रहने का कारण यही रहा कि उन्होंने किसी जात के खुल के नहीं कहा। हमेशा सापा और कांग्रेस हमेशा मुस्लिम शेड्यूल का बैकवर्ड क्लास को बेवकूफ़ बना के वोट देती थी। बीजेपी ने भी देखा कि जब हम सारे समय से पीछे, तो उन्होंने भी भड़काया नहीं, हिंदू को एक किया। अच्छा। कि तुम भी मतलब तुम भी बीजेपी के लिए वोट दो। कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपको ये दिखता है कि उन्होंने हिंदूज के लिए किया, मुस्लिम्स के लिए नहीं किया? पूरे समाज के लिए हो रहा है, हर वर्ग के लिए हो रहा है, और हर आदमी पा रहा है और पा के खुश हो रहा है। आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, वेस्टर्न यूपी में आप जाइए, जितने एम्स हैं, आप अगर एम्स के का डेटा लीजिए तो आप पाओगे कि 75% जो बेनिफिशरीज हैं मोहम्मडन्स हैं। फिर उसके बाद भी आप खुश ना हो अगर, तो फिर आपके घर इनको ये भारत के लिए अभिशाप है एक तरीके से। मुस्लिम लोग, इनके घर में ना तो टोटी होती है, एक भी पानी की नल नहीं होता, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, किसी पार्क में किसी हॉस्पिटल में चाहिए मैक्सिमम आपको मोहम्मडन मिलेंगे फ्री, आपका जो सरकार की सारी सुविधा लेना है करना कुछ नहीं है। करो ना उसको, नहीं तो आप कह रहे हैं मुस्लिम अभिशाप है इस देश के लिए। भाई वो भी तो नागरिक हैं, और अगर उनके घर में व्यवस्थाएं नहीं है, कमाई कीजिए ना। सापा का राज्य था, मेरा गोमती नगर में 2 करोड़ का प्लाट 50 लाख में लिखवा लिया उसने। इनकी भी हमारे उसका जो बात है, मेरे ब्रदर, बड़े ब्रदर है पवन अग्रवाल, तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं? इनकी हालत खराब हो गई, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कितने बच्चे हैं? एलडीए के प्लाट के ऊपर 5 मंजिला मुसलमान ने मकान बनवा लिया।
उसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। शासन का कोई बोलने वाला नहीं, मुसलमान तो 10 साल से बीजेपी सरकार है। 2014 की बात, इधर तो परिंदा पर नहीं मार सकता। जो सरकार है लड़कियां स्वच्छंद घूमती हैं, लड़कियां स्वच्छंद घूमती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे इन्होंने अपने भाई का दिया, हम आपको दे रहे हैं। 2014 के पहले हमारे क्लब के ही एक मेंबर हैं, उनका यहाँ लाटूस रोड पे दुकान थी, वो था पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसको सारा खरीद लिया एक मुस्लिम ने, उसमें वो नहीं दे रहा था। तो जो वो माफिया था वो मेरे जानने वाला भी था, वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि ये जो मांग रहे हैं हम देंगे तो ये इस्तेमाल करने लायक रहेंगे, आप उसका मतलब खुद समझ जाइए। कह रहे जो हम दे रहे हैं वो ले लें चुपचाप, वो जो मांग रहे हैं। तो मतलब उस वक्त इतना थ्रेट चलता था, मतलब चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो चाहे सपा की गवर्नमेंट हो, जितना थ्रेट चलता था वो 100% बंद हो गया। 100% बंद। मोदी जी ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, गैस सिलेंडर बांटे, कितना अनाज फ्री मिल रहा है, क्या अलग अलग दे रहे हैं। जैसे मैं उधर खड़ा था कुछ लोगों से बात कर, वो महंगाई की बात कर रहा था कि महंगाई बढ़ी है। मेरी बेटी यूएस में रहती है, उसको मेरे फोन से बात हुई, कहने की पापा गैस जो है 10% रेट बढ़ गए और जो हमारा बजट है 20% अमेरिका जैसे रात में महंगाई है। और इकोनॉमिक का नियम है कि जो रात तरक्की करता है वहाँ महंगाई आती है। आपके पास ये अटल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें चाहे कोई सरकार रही लेकिन लखनऊ में सब लोग मुसलमान भी बीजेपी को ही वोट देता है अटल जी के टाइम से, तो यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, सब लोग ऐसे होने वाला है, ऐसा होने वाला है बिल्कुल। मोदी जिंदाबाद। चलिए, नहीं नहीं, आप देखिए, अभी मैं सुबह से जब घूम रहा हूँ सिर्फ आदमियों से बात की है, तो पहले मैं आंटी लोगों से बात करूँगा क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं अंकल लोगों से बात कर करके बोर हो गया हूँ, मैं आंटी लोगों से बात करूँगा। आंटी आप लोग ये बताइए, वोट आप लोग अंकल लोगों के मन से देती है कि अपने मन से देती हैं? अपने मन से। क्या नाम है आपका? मधु। मधु आपका क्या नाम है? प्रफुल्ल रस्तोगी। अच्छा, आपका? रूबी रस्तोगी। सब लोग आप लोग साथ ग्रुप पे टहलते हैं। हाँ। आपके ग्रुप में मैंने खासियत ये भी देखी कि आप लोग बैग लेके भी चल रहे हैं, तो क्या नाश्ता पानी लेके आते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अपने कप लेके आते हैं, वेस्ट नहीं करते, सोल को आवरण पर्यावरण का बचाव करते हैं। बहुत अच्छी बात। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो आप लोग कुछ इशूज हैं, कुछ मुद्दों पर वोट देने वाली है, नाम पर देने वाली है, क्या देख कर वोट देती है? मोदी को देख के वोट देते हैं। मोदी को देख के देते हैं, क्यों, क्या लगता है मोदी जी के बारे में आपको? पता नहीं, हमें अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, ऐसा लगता है कि तो जैसे कोई अपनत्व लगता है उनसे वोट देने में। अच्छा, आप किस मुद्दे पे देती हैं? मैं बस समस्या देख के देखती हूँ किसको वोट देती। अच्छा, किस तरह की समस्याएं? जनरली किस सिचुएशन जिस समय जैसी होती है उस हिसाब से। अच्छा, तो अभी सिचुएशन कैसी लग रही है आपको? अभी तो कुछ इसमें सही लग रही है, अभी तो सब सिचुएशन सही चल रही है। आप लोग की चुनाव कौन सा हो रहा है पता है आप लोगों को? इलेक्शन कौन सा हो रहा है? लोकसभा का है सब चुनाव। अच्छा, और आपका सांसद कौन है पता है आपको? सांसद इस समय नहीं, अब इलेक्शन चल रहा है, डिस्कशन नहीं करते थे कि उनको पता नहीं सांसद कौन है। आप लोगों को पता सांसद कौन है, आपका एमपी कौन है? नहीं नहीं, देखिए अंकल लोग, अब आप लोग सुनाने लगे। लड़के जो है नीरज सिंह, आज हमारे दोस्त के घर पे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सर्वोदय कॉलोनी है, NPRI बॉटनिकल गार्डन में। सर आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम है विमल रस्तोगी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम व्यापार करते हैं, बिजनेस है। अच्छा, गारमेंट्स का। अच्छा, हमारे दोस्त है अशोक भार्गव, यहाँ रहते हैं राणा प्रताप, इसमें NPRI के सामने, वहाँ आज नीरज सिंह आए हुए हैं। कैसा काम रहा राजनाथ सिंह का सांसद के तौर पे? राजनाथ सिंह का काम देखिए, जुड़े हुए हैं वो लखनऊ से काफ़ी टाइम से, तो एक हम लोगों को एक हवा बनी हुई है। और वैसे भी कैंडिडेट यहाँ कोई भी हो, हम लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं आप? जुड़े हुए हैं, मतलब RSS से रहे हैं, जनसंघ से रहे हैं, RSS से रहे हैं हमारे पिताजी वगैरह, तो इसलिए हमें कोई दूसरी पार्टी जचती ही नहीं। अच्छा, जाना ही नहीं। अच्छा, सिवाय इसके भाजपा के। आपका क्या नाम सर? राहुल। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो मुझे लगता है राजनाथ जी ने लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या किया जैसे बताइए? अभी तो लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, जो इंडिया में परहैप्स बेस्ट माना जा रहा है। अभी उसके पहले गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जो फेज इनॉग्रेट हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब सोच से परे है।
अभी वैसे उनकी बातें ही सुन के आ रहा हूँ अभी महेश शर्मा जी की, बट ये सही है कि फ्लाईओवर्स बहुत सारे बने। एक 5-7 दिन पहले पंकज सिंह आए थे, राजनाथ सिंह के बेटे, इनके घर पे आके वही मीटिंग की थी, वहाँ पर 150-200-300 लोग आए थे सब पार्टी से जुड़े इनके घर पे। हम लोग ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, मगर हम लोग जुड़े हुए हैं अपने विचारों से या उनके कामों से। मैं तो एटलीस्ट बीजेपी को सपोर्ट। मुकेश शर्मा पता नहीं आप जानते होंगे, मुकेश शर्मा इस समय है वहाँ बैठे हुए हमारे दोस्त के घर पे। आपका क्या नाम सर? मुझे पंकज रस्तोगी कहते हैं। अच्छा लग रहा है कि आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और प्रॉपर पब्लिक में सब चीज कन्वे कर रहे हैं, मैसेज की पार्टी की ओपिनियन या पब्लिक की ओपिनियन क्या है, और ये अच्छी बात है ताकि ये एक अच्छी पिक्चर बन के सामने जाए। लखनऊ को लेकर क्या लग रहा है आपको? लखनऊ को देखिए, ये तो बीजेपी की, यहाँ सब कुछ बनेगा ही बनेगा, लेकिन जरूर बीजेपी वाले काम नहीं करते। अच्छा। काम नहीं करते, चारों तरफ काम हो रहे हैं, लेकिन अगर पर्सनल अपना काम की बात कर लो तो कोई काम नहीं करते। किस तरह काम? जैसे काम, जैसे हमारा कोई सरकारी विभाग का कोई कार्य हो, उस तरह का कोई भी काम उनसे अगर सहमति मांगी जाए, हाँ कर देंगे, करा देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। आपसे ये बताइए, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, मजबूरी है कि बीजेपी को ही वोट देना। अच्छा, ऑप्शन आपको नहीं दिखता? जैसे सामने गठबंधन है, रविदास मेहरोत्रा है, तो बेच देंगे देश को। तो पक्का ही पूरा पूरी तरीके से अभी अलग हो जाएंगे, अभी लाल कर के अलग हो जाएंगे। जो नागरिक होता है, सबसे पहले अगर हम अधिकार की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य की भी पूर्ति होनी चाहिए। पहले तो हम स्वयं को देखें, हम देश के लिए कर क्या रहे हैं। सबसे ऊंची है, सर्वोच्च होती है देशभक्ति। तो देशभक्ति क्या है? अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में अगर हमने मोदी जी को उसको देखा है, हिंदू राष्ट्र कहाँ है, सेकुलर राष्ट्र है ना हमारा, सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं करा। उन्होंने जो भी करा, सबका साथ सबका विकास करा, सबसे मेन निष्पक्षता है उनके कार्य में। फिर जो विकास है, तो पहले हम गांव में हमारे जितने भी सर्वेंट आते हैं, सब कहते हैं गांवों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, सबके घर में चूल्हे हो गए हैं, सबके घर में टॉयलेट बन गए हैं, और सबको योजना। फिर हमने जो इस बच्चों की शिक्षा देखी है, चाहे मॉमडन हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, नारी शक्ति का विकास हुआ है, बच्चों में शिक्षा का विकास हुआ है। हम सहज योग से जुड़े हुए हैं, हम गांव-गांव स्कूल में गए। अब जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वहाँ स्वच्छता बढ़ी है, शिक्षा पढ़ाई हो रही है। पहले क्या होता था, टीचर जाती थी, कोई भी बस अपनी वो लेती थी, और लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन हमने अब बहुत ही स्कूलों में जाके देखा है, दुबेला गाँव में गए, खटैया गए, और हम सब रोशन बाग गए, कई गांवों में गए, लेकिन सब जगह शिक्षा का स्तर बहुत है। बच्चों को फोलिक एसिड आयरन की गोलियां मिलती हैं, बच्चों को खाना मिलता है स्वच्छ से। तो क्या है, ये सब मोदी जी के प्रयास और हमारे वर्तमान सरकार ने ही तो किया है। पहले तो हमें कभी नहीं मिला, 70 सालों में पहले कभी काम नहीं, लीकेजेस कम हो गए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह से लीकेजेस कम हो गए, लोगों को डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, चाहे वो मनरेगा के पैसे। अगर पर्सनल काम नहीं हो रहा, लेकिन वैसे बहुत काम हो रहा है। पर्सनल की तो बात है ना, हम जब ऑप्शन नहीं है, कल को क्या हम दूसरी सरकार आ जाएगी, वो आपका पर्सनल काम करेगी? पहली बात तो भयमुक्त जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, लोग घर द्वार जमीन खींच ले जाएंगे, कोई आपको आपके घर में नहीं रहने देगा, माहौल में अराजकता रहेगी। पहले घर में रह नहीं पाते थे आप 10 साल पहले का पेपर कर लीजिए, उठा लीजिए, कंटेंट एनालिसिस कर लीजिए, योगी जी के टाइम के पहले का कंटेंट एनालिसिस कर लीजिए, रोज के क्राइम का, और आज का। मैं तो बहुत ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। एक हमारे ही गाजियाबाद, पहले मैं उतरती थी 10 साल पहले, मुझे अटैची रखते हुए डर लगता था, लेकिन अब गाजियाबाद भी भय मुक्त हो गया, क्योंकि वहाँ पे सब डॉन लोग रहते थे, कोई भी पैसा लेके नहीं चल सकता था, अकेली लड़कियाँ नहीं चल सकती थी, लेकिन अब सब भय मुक्त हो गया है। तो हर जगह सबसे पहले जो हमारा सत्ता की वो होती है सुरक्षा, सबसे पहले हमें माहौल में सुरक्षित हुआ है, माहौल हमें सुरक्षित मिला है, और अब क्या है, विकास हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है। और अब महंगाई की तो ये बात है, अगर आप घर में भी एक कमरा बनाओगे हैं, तो आप बजट बनाओगे ना, तो थोड़ी कहीं ना कहीं कटौती करोगे ना,
तो आप अगर हम टैक्स दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं सब्सिडी वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो विकास हो रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी, आप उसको महंगाई कह लीजिए, देश का विकास कर लीजिए। ये महंगाई नहीं है, ये विकास है, विकास है, महंगाई नहीं लगती। आदमी साइकिल से चलता था, ये मैडम जो है ये सहज योग से जुड़ी हुई है और ये गाँव गाँव स्कूल स्कूल सारे स्कूल सर्वे करती है, जितने सरकारी स्कूल है कोई प्राइवेट नहीं, सब में जा जा करके वहाँ पर इन्होंने बकायदा सबको सब जगह शिक्षा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये लखनऊ के मॉर्निंग वॉकर्स थे, उनसे हमने बात की, लखनऊ के चुनाव को लेकर समझा क्या मूड हैं, क्या मुद्दे हैं। आपको ये बातचीत जैसी भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, मेरे साथ पंकज हैं और हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि पूरे देश में प्रदेश में कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।